6 जून को जन्मे व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा के बल पर जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक के जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं रहती है। इन लोगों की आय के साधन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ये लोग कई कार्यों से धन प्राप्त करते हैं। इन लोगों पर लक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से बनी रहती है, जिस कारण लाइफ में इन्हें धन संबंधी परेशानी नहीं आती है। व्यक्ति को अपने जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है। ये लोग अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। ऐसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं। इन लोगों में सदैव कुछ करने की ललक रहती है। ये लोग एक अच्छे कलाकार, लेखक, साहित्यकार, वक्ता, धर्म प्रचारक, संगीत नृत्य कला के क्षेत्र में, किसी भी साहित्य और कला के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। कलात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, रोमांटिक भी काफी होते हैं। विपरीत लिंगी से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। इन लोगों को आसानी से प्यार हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा फ्लर्टी नेचर के होते हैं। कभी कभी तो ये अपने साथी के आंतरिक गुणों तक की उपेक्षा कर देते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता पर मोहित रहते हैं, यानी कि अपने साथी के बाहरी आकर्षण में ज्यादा पड़े रहते हैं। जितनी तेजी से उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उतनी ही जल्दी उनसे ऊब भी जाते हैं, अपने साथी के प्रति उदासीन हो जाते हैं। फिर इनके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी एक से ज्यादा होते देखे गए हैं, क्योंकि ये लोग शारीरिक संबंधों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्यार के गहरे भाव को समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण प्यार की तलाश में ये भटकते रहते हैं और एक के बाद एक रिलेशन इनके बनते बिगड़ते रहते हैं। ये लोग विलासिता और आरामदेह जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। महंगे महंगे ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े, लग्जरियस आइटम्स में ये बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, उनकी ओर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, जिस कारण ये ओवर बजटेड भी हो जाते हैं। शो ऑफ करने के चक्कर में ओवर बजटेड हो जाते हैं, जिस कारण इनका खर्चा भी खूब होता है और शॉर्टकट तरीके से पैसे अपनाने के लिए जब तब जुगाड़ करते रहते हैं। ये लोग अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सबके साथ अच्छा बनाकर रखते हैं, इसीलिए इनके मित्रों की संख्या भी काफी अच्छी होती है, जिसमें पुरुष मित्र भी शामिल हैं और महिला मित्र भी। विपरीत लिंगी की ओर तो ये ज्यादा आकर्षित रहते हैं, लेकिन सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हसमुख स्वभाव के तो होते ही हैं, चंचल और शरारती भी होते हैं, बातूने बहुत होते हैं। अपनी बातों के जाल से ही ये दूसरों को आकर्षित करने में सफल रहते हैं। अपने सभी कार्य ये बातों बातों में ही निकलवा लेते हैं। अगर लाइफ में इन्हें कभी जोखिम लेना पड़ जाए, रिस्क लेना पड़ जाए, तो ये घबराकर पीछे हटने वालों में से है, क्योंकि ये सिर्फ बातों से ही काम निकालना जानते हैं, ये रिस्क टेकर नहीं है। बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, पूरा नफा नुकसान देखकर ही खर्चा करते हैं। एक्चुअली जैसे ये लोग दिखते हैं, असल में अंदरूनी तौर पर वैसे होते नहीं हैं। सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर ही सभी कार्य करते हैं, यहाँ तक कि इनकी दोस्ती, इनकी निष्ठा इनके हित के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है। यानी कि ये दोस्ती और रिश्ते भी उनसे ही निभाना जानते हैं जिनसे इनको कुछ फायदा हो रहा हो। 6 जून को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है मिथुन, जिसके स्वामी हैं बुधदेव। कुंडली में सूर्य आपकी जिस राशि में होगा, वही आपकी सूर्य राशि होगी। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, ये हम सूर्य राशि से भलीभांति जान सकते हैं। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें, तो अपनी सूर्य राशि और अपने डेस्टिनी को नंबर को देखकर, अपने भाग्यांक के अंक को देखकर चूज करें, क्योंकि हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाता है, जबकि हमारा भाग्यांक, जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारी पूरे जीवन की डेस्टिनी। इसलिए आप सभी को अपनी सूर्य राशि और अपने मंथ के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं शुक्र 6 जून राशि के लोगों के बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से देखने को मिलेगा। बुध कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है, इसलिए इन लोगों की बातें ज्ञानवर्धक होती हैं, दार्शनिकता से भरी होती हैं। ये लोग मल्टी टैलेंटेड पर्सन होते हैं, एक ही समय में दो या दो से अधिक कामों में आसानी से ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। आपको ये हर किसी ना किसी काम में हमेशा व्यस्त नजर आएंगे। बहुत बेचैन रहने वाले प्राणी हैं, थोड़े से लापरवाह भी हैं, लेकिन अपनी स्मार्टनेस, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बातों से, अपनी व्यवहार कुशलता से लोगों को अपना दीवाना बनाए रखने में माहिर होते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इनकी आवाज़ में जादू है, इनके व्यवहार में, इनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत खिंचाव है। इनका जिज्ञासु मन, इनकी व्यवहारिकता इन्हें एक गुड थिंकर बनाती है। बुध और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही मित्र राशि हैं। बुध बुद्धि का, व्यापार का कारक माना गया है, तो शुक्र को लग्जरियस लाइफ का, भोग विलास का, सौंदर्य का, प्रेम का। इसलिए ऐसे व्यक्ति फ्लर्टी नेचर के, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, स्वभाव से रोमांटिक होते हैं। मित्रों की संख्या भी इनकी काफ़ी अधिक होती है, पुरुषों की महिला मित्रों से तो महिलाओं की पुरुष मित्रों से। इन लोगों को ऐशोराम की जिंदगी खूब पसंद आती है। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए ये लोग मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा शो ऑफ में ज़्यादा खर्च करते हैं। बड़ा घर, अच्छा खाना पीना, ब्रांडेड कपड़े, इन सब पे ये लोग, लग्जरियस लाइफ पे ये लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं। अच्छे मेहमान नवाज भी साबित होते हैं। भोजन में इनकी अच्छी रुचि, विशेष रुचि होती है। इनका रहन सहन देखकर लोग इन्हें धनवान ही समझते हैं, भले ही ये सामान्य परिवार से क्यों न जन्मे हो। कुल मिलाकर इन लोगों का जीवन काफ़ी आनंद में गुजरता है, किंतु कुंडली में अगर बुध या शुक्र खराब स्थिति में पड़ जाए तो इन लोगों को रोग भी बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि ये लोग नाजुक मिजाज होते हैं। शुक्र अगर भोग देता है तो बुध यहाँ पर इनको अलहड़पन, मौज मस्ती, मल्टीपल रिलेशंस देता है। ऐसी स्थिति में अति हानिकारक वाली बात फलीभूत होती है। उम्र के पड़ाव में इन्हें रोगों से ग्रस्त रहना पड़ सकता है। बुध अगर ज्यादा खराब स्थिति में हुआ तो ऐसे व्यक्ति की बोलने की क्षमता में दोष होगा, अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पाएगा, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगेगा, व्यापार कर्जे में डूबता चला जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इनको अपने प्रोफेशन में कदम कदम पर समस्याएं घेरने लगती हैं, लोग भी इनसे बात करने से कतराते होंगे, इनकी वाणी में दोष होगा, हकलापन या तुतलाकर बोलने वाले होंगे। ऐसे लोगों के मान सम्मान में भी कमी आती है। कुंडली में आपके शुक्र और बुध की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका शुक्र कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब शुक्र और बुध के लक्षण वाली मेरी वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप सबको आसानी से प्राप्त हो सके, आप अपने बारे में और भी अधिक गहराई से जान सकें। ऐसे में इन्हें तुलसी जी का पौधा अपने घर लगाना चाहिए, गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, हरे रंग को अपने दैनिक जीवनचर्या में, लाइट शेड्स को प्रयोग में लाना चाहिए, डार्क रंग जितना हो सके उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को जितना हो सके स्वच्छ रखें, परफ्यूम की जगह इत्र लगाएं, महिलाओं का और कन्याओं का विशेष रूप से सम्मान करें, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बनाकर चलें, और अगर कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग अवश्य करवाएं, ताकि सफलतापूर्वक अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 5, 8, 4 और 7। 5 का अंक बुध देव का, 8 का अंक शनि देव का, 4 और 7 का अंक राहु और केतु का। आपके लिए समान अंक होते हैं 3 और 9। 3 का अंक गुरु का और 9 का अंक मंगल का। आपके लिए शत्रु अंक होते हैं 1 और 2, यानी कि सूर्य और चंद्रमा। आप लोगों की शुभ तिथि होती है 6, 15 और 24 तारीख। आपके लिए शुभ दिन, शुभ वार है वेनेसडे और फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार और बुधवार। आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी रंग, लाइट शेड्स, नीले रंग के सभी शेड्स, वाइट, सिल्वर शेड, जितना ज़्यादा हो सके लाइट शेड यूज कीजिए, अवॉइड करिए डार्क रंग को। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं,
यानी कि 21 अप्रैल से 27 जून और 21 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी से 27 फरवरी, 21 जून से 27 सितंबर और 21 दिसंबर से 27 जनवरी के मध्य जन्म लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस समय के बीच में 6, 15 या 24 तारीख को कोई नया काम आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।